Assalamu alaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today the chapter that we are going to start and discuss is case studies. केस स्टडी हमारे पास क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, हम एक सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसको रीड आउट करते हैं. हम जब उसे रीड करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो हम क्या चेक कर रहे होते हैं, हम उसे एनालाइज कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सिस्टम में कौन सी अप्रोच यूज़ की गई है, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ हो रही है या कोई और अप्रोच यूज़ हो रही है, वो फॉल्ट टॉलरेंट है नहीं है, उसमें क्या क्या हार्डवेयर यूज़ हो रहे हैं, कौन सा इंटरफेस है, फ्लेक्सीबिलिटी है या नहीं है, और किस टाइप का हमारे पास सिस्टम है. हम ये चीज़ जो है देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं. तो हम इसमें अपनी केस स्टडीज को डिस्कस करते हैं, और उससे पहले हम केस स्टडी की स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं. केस स्टडी स्ट्रैटेजी हमारे पास क्या है, वो ये है कि इट हैज़ आइट्रेटिव डेवलपमेंट प्लस आइट्रेटिव लर्निंग. आइट्रेटिव का मीनिंग क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, कोई चीज़ जो रेपिटिशन में हो रही है, हम कहते हैं वो आइट्रेटिवली हो रही है, रिपीटिशन हो रही है. इसमें कोई भी टास्क है हमारे पास, कोई भी सर्टन चीजें हैं, हम कहते हैं अगर हम उसको रिपीटिशन में परफॉर्म कर रहे हैं ना, आइट्रेशन में चल रहा है काम, और वो आइट्रेटिवली हो रहा है, ठीक है, रिपीटिशन के साथ हो रहा है, तो हम आइट्रेटिव डेवलपमेंट किसको कहते हैं, ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम एक प्रोजेक्ट को फिक्स लेंथ मिनी प्रोजेक्ट में डिवाइड कर देते हैं, और वो मिनी प्रोजेक्ट्स बेसिकली क्या होती हैं, आइट्रेशन होती है ना, तो हम उन आइट्रेशंस को बार बार हम उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, रिपीटेटिवली कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारी आइट्रेटिव डेवलपमेंट है, ठीक है. यहाँ पर आप देखें, वुड इज अप्लाइड टू द केस स्टडीज इन मल्टीपल आइट्रेशंस, यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन है ना, वो हम अप्लाई करते हैं केस स्टडीज को मल्टीपल आइट्रेशन में. फर्स्ट आइट्रेशन में हम कुछ कोर फंक्शंस के लिए अप्लाई करते हैं, और लेटर आइट्रेशन में हम एक्सपेंड कर देते हैं फंक्शनैलिटी को, ठीक है, यानी हमारी फंक्शनैलिटी उनमें फिर इंक्रीज हो जाती है, हम एक्सपेंड कर देते हैं, वो सिर्फ कोर फंक्शंस नहीं रहते, कोर फंक्शंस के साथ दूसरे फंक्शंस भी आ जाते हैं. ये देखें फिगर 3.2 हमें क्या बता रही है, लर्निंग पाथ फॉलोज आइट्रेशन, ठीक है, यानी जो लर्निंग का हमारा पाथ है ना, वो आइट्रेशन को फॉलो करता है, आइट्रेटिवली काम हो रहा है. आइट्रेशन वन में इंट्रोड्यूस करें सिर्फ एनालिसिस और डिजाइन स्किल्स को, जो कि रिलेटेड है किससे, सिर्फ आइट्रेशन वन से. फिर आइट्रेशन टू में क्या, हम एडिशनल एनालिसिस और डिजाइन स्किल्स को इंट्रोड्यूस करें, वो किससे रिलेटेड होंगी, डेफिनेटली वो आइट्रेशन टू से रिलेटेड होंगी. लाइकवाइज हम आगे चलते जाएंगे, आइट्रेशन थ्री के लिए भी, फिर आइट्रेशन फोर होगी, तो उसके लिए भी हमारे पास एडिशनल एनालिसिस और डिजाइन स्किल्स इंट्रोड्यूस होंगी, जो कि रिलेटेड होंगी उस पर्टिकुलर आइट्रेशन से, ठीक है. यहाँ भी वही चीज बताई जा रही है कि फर्स्ट आइट्रेशन में कोर सेट ऑफ एनालिसिस और डिजाइन टॉपिक और नोटेशन प्रेजेंट किए जाते हैं, फिर सेकेंड आइट्रेशन में वो एक्सपेंड हो जाते हैं मजीद फंक्शनैलिटी में, यानी न्यू आइडियाज, यूएमएल नोटेशन और पैटर्न्स में, पैटर्न्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे. और लाइकवाइज थर्ड आइट्रेशन में भी ऐसे ही होता है, यानी कि एक्सपेंशन होती जाती है ना, एक्सपेंड करती जाती हैं चीज़ें, हर आइट्रेशन में एडिशन होती जा रही होती है. चलें अब हम केस स्टडी वन को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले केस स्टडी वन हमारे पास क्या है, द नेक्स्ट जनरेशन POS सिस्टम. POS स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है. तो हमारी फर्स्ट केस स्टडी क्या है, नेक्स्ट जनरेशन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ठीक है. अपेरेंटली हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम डोमेन है, जिसमें हम देख सकते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग रिक्वायरमेंट और डिजाइन प्रॉब्लम्स होंगी सॉल्व करने के लिए. अब हमारे पास हम कहते हैं कि ये वाकई बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ग्रुप्स जो है डेवलप करते हैं ना ये POS सिस्टम्स को ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स इनकाउंटर होती हैं हमें. अब ये स्टडी करेंगे, देखिए केस स्टडी है ना, हम एक केस को स्टडी करने लगे हैं, अब हम देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सिस्टम करता क्या है, इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या है, इंटरफेस क्या है, ये क्या क्या चीज़ें टॉलरेट कर सकता है एक्सेट्रा, ठीक है. तो हम देखते हैं सबसे पहले POS सिस्टम क्या है. ये एक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन है, जो कि सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए और पेमेंट्स को हैंडल करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है. यानी इस POS यानी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का क्या काम है, ये एक ऐसी कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन है जो कि सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए और पेमेंट्स को हैंडल करने के लिए यूज की जाती है. ये मोस्टली कहाँ यूज होती है, रिटेल स्टोर्स में, ठीक है, क्योंकि वहीं पर ये ज्यादा जरूरत पड़ती है इन सिस्टम्स की, ताकि ये सेल्स को रिकॉर्ड करें और पेमेंट्स को हैंडल करें, क्योंकि लार्ज स्केल में पेमेंट्स और सेल होती ही रिटेल स्टोर्स में, ठीक है. अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं. ये देखिए मेन मेन पॉइंट्स इन्हें हाईलाइट करते जाएं, ये केस स्टडी में स्टडी करेंगे आप, ये रीड करेंगे, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है. अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स में क्या क्या होते हैं,
कंप्यूटर होता है इस सिस्टम में, हार्डवेयर कंपोनेंट, और बारकोड स्कैनर होता है, क्योंकि जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर बारकोड प्रेजेंट होता है ना, तो उसको स्कैन करने के लिए हमें किसी हार्डवेयर कंपोनेंट की जरूरत है, तो वो हार्डवेयर कंपोनेंट हमारा क्या है, बारकोड स्कैनर है। और सॉफ्टवेयर होना चाहिए सिस्टम को रन करने के लिए, ठीक है, ये हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बता दिए गए हैं, ये चीजें होनी चाहिए। फिर इंटरफेस क्या है, इट इंटरफेसेस टू वेरियस सर्विस एप्लीकेशंस, ये इंटरफेस देता है वेरियस सर्विस एप्लीकेशंस के लिए, सच एज थर्ड पार्टी टैक्स कैलकुलेटर एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। थर्ड पार्टी टैक्स कैलकुलेटर क्या होता है हमारे पास, यानी हमारे पास सर्टेन टैक्स फिक्स हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, अब वो जो गवर्नमेंट ने सर्टेन टैक्स फिक्स किया हुआ है वो खुद ही वो उसमें कैलकुलेट करेगा और उसको स्टोर भी कर देगा, उसको रिकॉर्ड भी कर लेगा, ठीक है, इन्वेंट्री में। फिर आ जाता है दीज सिस्टम्स मस्ट बी रिलेटिवली फॉल्ट टॉलरेंट, ये जो सिस्टम्स हैं ये फॉल्ट टॉलरेंट भी होने चाहिए। अब फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब क्या होता है, अगर कुछ रिमोट सर्विसेज टेम्परेली हमें अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इन्वेंटरी सिस्टम, ये जो इन्वेंटरी सिस्टम है जिसमें हम सब कुछ स्टोर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम हैंडल कर रहे हैं, अगर तो वो हमें किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई फेलियर हो गया, कुछ भी हो गया, टेम्परेली अवेलेबल नहीं है, तब भी हमारा सिस्टम इतना केपेबल होना चाहिए कि वो सेल्स को कैप्चर भी कर सके, रिकॉर्ड भी कर सके, और जो कैश पेमेंट्स हैं उनको हैंडल कर सके। चलो अगर दूसरी तरह कोई स्टोर नहीं हो सकती, रिकॉर्ड नहीं हो सकती, तो एटलीस्ट हमारा सिस्टम जो है वो कैश पेमेंट्स को हैंडल कर सकता हो। दिस मीन्स दैट बिजनेस इज नॉट क्रिपल्ड, कि हमारा बिजनेस बिल्कुल ही डिसेबल नहीं हो गया, कि सिस्टम थोड़ा सा अगर हमारा जो है वो खराब हुआ तो उसकी वजह से, या वो टेम्परेली हमें अवेलेबल नहीं है तो हम बिल्कुल ही जो है वो डाउन हो जाए और हमारे पास कोई भी चीज हैंडल करने के लिए ना हो। नहीं, हमें एटलीस्ट हमारा सिस्टम इतना काबिल होना चाहिए कि वो कैश पेमेंट्स को हैंडल कर सके और सेल्स को कैप्चर कर सके। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो POS सिस्टम है वो इंक्रीजिंगली सपोर्ट करना चाहिए मल्टीपल और वेरी क्लाइंट साइड टर्मिनल्स और इंटरफेसेस को, यानी ये मल्टीपल क्लाइंट साइड टर्मिनल्स को सपोर्ट करना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि हम एक ऐसा कमर्शियल POS सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो हम सेल करेंगे डिफरेंट क्लाइंट्स को, जिनकी डिस्परेट नीड्स हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस रूल प्रोसेसिंग, यानी बिजनेस रूल की प्रोसेसिंग की टर्म्स में उनकी नीड्स हैं उनको देखते हुए हम एक कमर्शियल POS सिस्टम सेल करेंगे, ठीक है, डिफरेंट क्लाइंट्स को। ईच क्लाइंट जो है वो डिजायर करेगा एक यूनिक सेट ऑफ लॉजिक जिसको वो एग्जीक्यूट करेगा सर्टन प्रिडिक्टेबल पॉइंट्स को देखते हुए। अब डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं उनको देखते हुए उसके पास क्लाइंट जो है वो डिजायर कर रहा होगा एक यूनिक सेट ऑफ लॉजिक को, जिसको वो देखते हुए एग्जीक्यूट करेगा कुछ प्रिडिक्टेबल पॉइंट्स पर। अब ये प्रिडिक्टेबल पॉइंट्स किस में होते हैं, सिनेरियोज में होते हैं, और वो किस चीज को देखते हुए उन्हें एग्जीक्यूट कर सकेगा, इसी सिस्टम के थ्रू जो हम उसे सेल कर रहे होंगे, ठीक है। सच एज व्हेन अ न्यू सेल इज इनिशिएटेड, जैसे कि कब एक न्यू सेल इनिशिएट हुई है, ठीक है, अभी एक यूनिक सेट ऑफ लॉजिक है ना जिसको उसने एग्जीक्यूट करना है, ये प्रिडिक्टेबल पॉइंट्स, ये देखो सिनेरियो में कुछ ना कुछ प्रिडिक्टेबल पॉइंट्स होते हैं ना, तो सिस्टम को यूज करते हुए वो इन सेट ऑफ लॉजिक को, प्रिडिक्टेबल पॉइंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे कि व्हेन अ न्यू सेल इज इनिशिएटेड, के एक न्यू सेल कब इनिशिएट हो रही है, और व्हेन अ न्यू लाइन आइटम इज एडेड, या कब एक न्यू लाइन आइटम ऐड किया गया है। देयरफॉर वी विल नीड अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड दिस फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन, इसके लिए हमें एक मैकेनिज्म की जरूरत है जिससे हम प्रोवाइड कर सकें फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन। और वो मैकेनिज्म क्या है, हमारा ये सिस्टम ही तो है कि इसे हमने फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करेगा कि जो क्लाइंट है वो जैसे चाहेगा, उसकी जो डिजायर होगी वो वैसे उसे कस्टमाइज कर सकता है। आगे ये है हमें गिवन कि यूजिंग एन आइटरेटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजी वी आर गोइंग टू प्रोसीड थ्रू रिक्वायरमेंट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसका मतलब ये है कि आइटरेटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को यूज करते हुए हम प्रोसीड करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे इस सिस्टम के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज की गई है। केस टू हमारे पास है मोनोपोली गेम सिस्टम, ये हमने चूज किया है, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर वर्जन है गेम का मोनोपोली एंड द केस स्टडी के तौर पे। ऑल्दो इसकी डोमेन और रिक्वायरमेंट्स बिजनेस सिस्टम की तरह नहीं है, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन POS में थी, POS यानी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर हमारे पास वो बिजनेस सिस्टम था ना, जैसी डोमेन और रिक्वायरमेंट्स हमारे पास उसमें थी, ये मोनोपोली गेम सिस्टम में वैसी नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि डोमेन मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट डिजाइन विद पैटर्न्स और UML को अप्लाई करना स्टिल इसमें भी रेलेवेंट और यूजफुल है।
As with the POS, software versions of Monopoly are truly developed and sold with both rich client and web user interfaces. जैसे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में था ना, सॉफ्टवेयर वर्जन मोनोपोली के ट्रूली डेवलप किए जाते हैं और सेल भी किए जाते हैं क्लाइंट और वेब यूजर इंटरफेसेस के साथ. इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि रूल्स रिपीट नहीं कर रहे वो मोनोपोली के लिए, जैसे सबको पता होते हैं क्योंकि ये गेम मोस्टली सभी टीनेजर्स में बहुत जो है फेमस है. अगर आपको फिर भी कुछ रूल्स देखने हो ना, क्योंकि केस स्टडी में हम रूल्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स, हर चीज़ पर फोकस करते हैं, अगर आपको फिर भी वो पता नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आप उनकी अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें कि क्या इस केस स्टडी में रूल्स हैं, तो आप उनके लिए ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं. जो सॉफ्टवेयर वर्जन है गेम का, वो एक सिमुलेशन के तौर पर रन करेगा. एक पर्सन जो है वो गेम स्टार्ट करेगा और इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ सिमुलेटेड प्लेयर्स, और फिर देखता रहेगा गेम को जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाती. एक एक्टिविटी के ट्रेस को प्रेजेंट करते हुए जब बाकी सिमुलेटेड प्लेयर की टर्न आएगी, ठीक है, यानी ये सिमुलेशन में चल रहा है ना सब कुछ, आर्टिफिशियली चल रहा है कि एक पर्सन ने गेम स्टार्ट की है और ये भी इंडिकेट कर दिया गया है कि नंबर ऑफ सिमुलेटेड प्लेयर्स कितने हैं. गेम को ही देखता रहेगा जब तक गेम रन कर रही होती है, कंप्लीट हो रही होती है, और ये प्रेजेंट करता है ट्रेस ऑफ एक्टिविटी को ड्यूरिंग सिमुलेटेड प्लेयर टर्न्स, जब तक दूसरे सिमुलेटेड प्लेयर की टर्न होती है, ठीक है. तो एज सच इस केस स्टडी में कुछ था नहीं, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में डिफाइन नहीं किया. जैसे उन्होंने बताया हमने वैसे इसको डिस्कस कर लिया. एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर एज वी हैव कंप्लीटेड इट. इसमें सिर्फ दो ही केस स्टडीज थी जो हमने डिस्कस करनी थी, और केस स्टडी की स्ट्रेटेजी हमने देखी थी कि आइटरेटिव डेवलपमेंट और आइटरेटिव लर्निंग होती है उसमें, यही चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी थी. अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह इंसेप्शन को डिस्कस करेंगे. और कोई भी क्यूरी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोस, आल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव बीन सब्सक्राइब्ड इट येट. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.